Okay, hello Messi, welcome back to my channel. तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस इसमें हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे तो देखिए ना फिलहाल अभी जो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट करा रही थी वो था आपका प्लांट पिगमेंट ओके बट प्लांट पिगमेंट के साथ साथ अब मैं आगे को कॉन्टिन्यू कराऊंगी हमारे टर्पिन को भी यानी कि हम दोनों यूनिट को साथ साथ चलाएंगे बिकॉज आप लोगों के एग्जाम भी काफी पास है तो हम दोनों यूनिट को मैं ट्राई करूंगी की दोनों यूनिट मैं जल्दी जल्दी पूरी करा दूँ क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और यूनिट भी है जो हमने पूरी करनी है जैसे आपका स्टेरॉइड है एल्किोड है वो सारी यूनिट कवर

साथ ही साथ टर्पिनोइट के अंदर एक रूल रहता है जिसे आप बोलते हैं आइसोप्रीन रूल और स्पेशल आइसोप्रीन रूल दोनों रूल्स को मैंने आपको डिफाइन कर लिया है विद एग्जांपल्स किसने दिया था ये सारा इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो सारी की सारी चीजें मैंने डिस्कशन में ले ली हैं साथ ही है साथ दो टर्पिन के बारे में भी हमने डिस्कशन में ले लिया है लास्ट के सेवन लेक्चर्स के अंदर यानी कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमने टर्पिन के अंदर डिस्कशन में ले लिए हैं और आज मैं आपको क्या एक नेक्स्ट टर्पिन के बारे में डिस्कशन में ले रही हूँ जो की अगेन आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है जो है कैम्फर ओके okay? तो कैम्फर के बारे में हमने डिस्कशन में लेना है कैम्फर क्या होता है कपूर जो हम लोग घरों पर पूजा उजा टाइम करते टाइम पर जलाते हैं वही होता है आपका कैम्फर ठीक है तो कैम्फर पे हमने डिस्कशन लेना है बिकॉज कैम्फर भी एक आपका टर्पेनॉइड है और पर्टिकुलरली ये टर्पेनॉइड की मोनोटर्पेनॉइड क्लास से बिलोंग करता है ठीक है अब देखो ना कैंपर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसको मैं क्या है? दो तरीके से पढ़ाऊंगी दो तरीके से क्या हम बोल सकते हैं दो लेक्चर्स में हम इसे कवर करेंगे जो पहला लेक्चर रहेगा ना वो कैंपर का क्या रहेगा स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन देखिए मैंने लास्ट के जो सेवन लेक्चर है उनमें एक लेक्चर पे आपको स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन पर भी बात कराई थी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में हम क्या करते हैं हमको ये चीज स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के अंदर क्या हम रूल्स वगैरह पढ़ते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी टर्पेनोइड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे अगर आप ये कैंफर का स्ट्रक्चर देखेंगे ये दोनों ही कैम्फर के स्ट्रक्चर है ठीक है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और इसको आपने खोल के ऐसा लिखा हुआ है समझ में ये चेयर फॉर्म टाइप ये आपका खुला हुआ है ठीक है तो देखो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे सेवन रिंग देखने को मिलेगी और सेवन मेंबर रिंग के अंदर अगेन आपको एक फाइव मेंबर रिंग देखने को मिलेगी तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैम्फर एक बाईसाइक्लिक रिंग है बिकॉज इसके अंदर दो साइकिल रिंग प्रेजेंट है साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है वो है कीटो और कीटो में जो ये आपका कार्बन ये जो ऑक्सीजन है सी डबल बॉन्ड हुआ है ये आपका डायरेक्टली आपके कार्बन जो रिंग का जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है तो ये हमारे क्या है कैंपर की बेसिक है इसके स्ट्रक्चर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है और साथ ही साथ अगर आप कैंफर के स्ट्रक्चर को देखोगे ये पूरी तरह से सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है इसमें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा अब ये कीटो की बात मत कीजिएगा बिकॉज ये तो फंक्शनल ग्रुप है ये तो तो इसके पास तो रहेगा लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कार्बन की यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ कोई भी अनसेचुरेशन आपको नहीं मिल रहा है तो ये क्या है इनके स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक को हम प्रूव कैसे करते हैं रूल्स के थ्रू हमने कुछ रूल्स रिएक्शन पड़ी जो हमको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी जो हमको ये बताता है कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कैसे चेक करेंगे डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो कैसे कंफर्म करेंगे कि कीटो ग्रुप है और अगर एल है तो उसको कैसे कन्फर्म करेंगे अगर कार्बन uh, की जो ये साइक्लिक रिंग है अगर वो मोनो है अगर वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो वो कैसे चेक करेंगे यानी कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर पर वो है कैंफर का कंफर्मेशन टेस्ट यानी कि उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं इसको हमने कंफर्म करना है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस वजह से मैंने दोनों को अलग अलग बनाया ठीक है तो आज जिस स्ट्रक्चर के कैंफर की uh, क्या है हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे क्या इसका फॉर्मुला रहता है कैसे इसके स्ट्रक्चर्स रहते हैं और स्ट्रक्चर में कैसे कैसे ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको हम कन्फर्म करके बाई रिएक्शन शो करेंगे ठीक है उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर नाइन्थ रहेगा उस पर हम पर्टिकुलरली इसकी सिंथेसिस पे बात करेंगे सिर्फ सिंथेसिस पे बात करेंगे आज हमारा ये सारा डिस्कशन रहेगा और बहुत आसान है आपने अगर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन वाला लेक्चर देखा है तो डेफिनेटली आपने वही चीजों को यहां एड करना है आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे जैसे फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है तो एल वगैरह को रखना ही नहीं है आपको पता है इसमें कीटो ग्रुप है तो कीटो का कन्फर्मेशन टेस्ट यहाँ पे आपने बता देना दैट्स क्लियर तो स्टार्ट करियो लेक्चर को सुनिएगा ठीक है तो फर्स्टली आप स्ट्रक्चर तो समझ चुके ये आपका क्या है तो है, कैम्फर क्या होता है, तो है।, है, है। यहाँ तो लिखा हुआ है कैंपर इज नेचुरल अक्रिंग मोनो टर्पेनॉइड यानी कि कैम्फर भी आपका एक टर्पेनॉइड है और ये टर्पेनॉइड की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है मोनो टर्पेनोइड से बिलोंग करता है मोनो टर्पेनॉइड मतलब ये ऐसा टर्पेनॉइड है

सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इतना तो क्लियर हो रहा होगा ना अब नेक्स्ट वन है इसकी स्टेट यानी कि ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट रहता है तो मतलब है, है? आपने कपूर को भी सूंगा होता है बहुत तेज स्मेल होती है जलने के बाद भी उसकी बहुत तेज सी स्मेल आती है और वैसे ही क्या ये सॉलिड स्टेट में रहता है कलरलेस होता है और वैक्सी होता है क्लियर तो ये इसकी स्टेट हो गई नाउ नेक्स्ट इसका अक्रेंस की बात कर रहे हैं तो ऑक्रेंस यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये बोल रहा है इट इज फाउंड इन द वुड ऑफ अ कैम्फर लॉरल तो कैम्फर लॉरल क्या है एक ट्री है एवरग्रीन ट्री है जो कि जनरली ईस्ट एशिया वगैरह वैसी जगहों में तो आपको देखने को मिलेगी तो ये जो ट्री है इस ट्री से ही आपका क्या निकलता है कैम्फर निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं कपूर ट्री भी बोलते हैं

जो सोच सकता है क्या सोच सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले के लेक्चर पे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पे भी बताया था कि ऑक्सीजन क्या इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजन ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे किसके लिए होगा फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा बिकॉज कार्बन के स्केलेटन में तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होंगे तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अब वो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है तो देखो ऑक्सीजन कैरी करने वाले फंक्शनल ग्रुप क्या है आइदर ओ एच हो सकता है ठीक है और ओ एच में भी दो होते हैं आइदर ये OH हो सकता है या फिर ये फिनॉलिक ओ एच

ग्रुप की बात नहीं करेंगे ना आप यहाँ पे एल्डिहाइड की बात करेंगे यहाँ पे जो आप टेस्ट बताएंगे वो सिर्फ कीटो का बताएंगे बिकॉज आपने स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखा हुआ है और स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आपने यहाँ साफ साफ देखा है कि यहाँ पे आपके कार्बन और हाइड्रोजन की चेन में सिर्फ एक ऑक्सीजन का ग्रुप लगा हुआ है जो है आपका कीटो यानी कि आपको पता है कैम्फर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसका होता है कीटो का होता है जिस वजह से हमने बोला भी था कि ये आपकी साइक्लिक कीटोन है तो हमको पता है यहाँ पे कौन सा ये ऑक्सीजन किसके लिए है आपके कीटो फंक्शनल ग्रुप के लिए है तो हम यहाँ पर को हाइड्रोक्सी और फिनोल ये फिनॉल को भी हम साइड कर देंगे हम यहाँ पे हमारे एलडीहाइड को भी साइड कर देंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कीटो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ जो कन्फर्मेशन

कोई भी ब्रोम इनका एडिशन नहीं हुआ यानी कि यहाँ पे एडिशन क्या है, नहीं हुआ एडिशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ देखो होता क्या है ना जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसकी रिएक्शन जब भी आप Br2 से कराते हैं तो होता ये जो ये पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड क्लीव कर जाता है देखो पाई बॉन्ड क्लीव कर गया, और कैसे क्लीव किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और रोमिन कैसे क्लीव किया बी आर टू बी आर नेगेटिव एंड बी आर पॉजिटिव करके तो होता क्या है नेगेटिव से पॉजिटिव अप्रोच करता है पॉजिटिव से नेगेटिव अप्रोच करता है और एज अ रिजल्ट आपको क्या ऑप्टेन होता है ये जो जो ये जो सिंगल बॉन्ड बना इनके साथ दो ब्रोमिन का एडिशन आपको ऑप्लिन होता है यानी कि ये दोनों प्रोमिन क्या है यहां पे अटैच हो जाते हैं जब भी आपके पास अनसेन होता है यानी कि हम बोल सकते हैं कि अनसेचुरेशन केस में ब्रोमिन का एडिशन होता है लेकिन जब भी हमने हमको पहले पता नहीं था देखिए हमको पहले पता नहीं था कि कैम्फर आपका सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है हमने क्या किया हमने किया कैंफर पकड़ा मतलब कैम्फर हमने लिया कैम्फर के रिएक्शन बी के साथ कराई और बी के साथ जैसे रिएक्शन कराई हमने देखा कि कैंफर के ऊपर कोई भी बी का एडिशन नहीं हुआ और एडिशन नहीं

है, वो आपका saturated compound है इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है clear हुआ समझ में आया तो पहले हमें पता नहीं था, हमने क्या है, okay. अगला बोल रहा है ये अब कंफर्म करना है कि आपके कैंफर में कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो देखो पहले अगर जब इसका टेस्ट हुआ होगा उसपे हमने देखा कि इसमें ऑक्सीजन है तो मैंने जैसे बोला ऑक्सीजन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो सकता है फिन फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है और यहाँ पे आपका क्या हो सकता है एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटो भी हो सकता है लेकिन जब आपने क्या है अल्कोहल का फिनॉल का एल्डिहाइड का टेस्ट किया तो सारे टेस्ट यहाँ पर को फेल हो गए पास कौन सा टेस्ट हुआ सिर्फ कीटो ग्रुप का टेस्ट पास हुआ जिस वजह से सिर्फ हम कीटो को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो कीटो ग्रुप है ये हमने कैसे कंफर्म किया ये बोल कीटो ग्रुप को कंफर्म करने के लिए वही चीज बोल रही हूँ हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का जो मैंने लेक्चर आपके साथ शेयर किया था उस पर मैंने रिएक्शन शो की थी आप चाहे तो वो रिएक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पे मैं सिर्फ थ्योरी आपको शेयर कर रही हूँ तो देखो क्या बोल रहा है कीटो ग्रुप का कन्फर्म हमने कैसे किया ये बोल रहे कीटो ग्रुप है। का कन्फर्म हमने ऐसे किया हमने कैम्फर लिया और कैम्फर की रिएक्शन किसके साथ कराई हाइड्रोक्सी अमीन के रिएक्शन कराई और जैसे हमने हाइड्रोक्सियमिन के साथ रिएक्शन कराई हमको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन इंडिकेट करता है कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन ऑप्टेन हो गया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे structure में keto group है और हुआ भी यही हमने कैम्फर की रिएक्शन जैसे के साथ कराए हमको product मिला तो हमने बोल दिया कि ये तो आपका पहला टेस्ट था इसके साथ दूसरा टेस्ट क्या है ये बोल रहा है कि कभी भी कोई भी स्पीसीज हमारे पास है उसमें अगर आप कीटोग्रुप को प्रेजेंस को चेक करना चाहते हैं तो आप उसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ सेमी के साथ कराओ तो अगर अगर सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कराने पे आपको सेमी कार्बा एजोन आपको ऑप्टेन होता है तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है और सेम चीज यहाँ हुई जैसे आपने कैंसर की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ कराई आपको सेमी कार्बाजोन ऑप्टेन हो गया जिसने ये प्रूफ कर दिया कि आपके कैंसर में कीटो है सिमिलरली एक और टेस्ट है वो ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें आप कीटो ग्रुप को चेक करना चाहते हैं तो उसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ फिनाइल हाइड्राजिन के साथ कराओ आफ्टर रिएक्शन अगर आपको फिनाइल हाइड्राजोन ऑब्टेन हो जाता है जिन आपका किस में कन्वर्ट होता रहता है? है जोन में कन्वर्ट हो जाता है जैसे यहां पे कार्बज़िट था ये जोन में कन्वर्ट हो गया सेम वैसे ही है फिनाइल हाइड्राजिन था वो आपके जोन में कन्वर्ट हो गया तो कन्फर्म हो जाएगा कि कीटो ग्रुप है क्योंकि ओ किसके लिए होता है कीटो के लिए होता है तो आपका कीटो ग्रुप कन्फर्म है वो यहीं से प्रूफ होगा और ये तीनों रिएक्शन आपके कैम्फर ने भी दी जो कि ये प्रूफ करता है कि कैम्फर में कीटो ग्रुप है सिंपल सी बात क्लियर ना ये हो गया ठीक है थीके? अब कीटो को कंफर्म करने के लिए एक और चीज है यहाँ पर लिखा हुआ है सुनिएगा बहुत आसान है ये बोल रहा है ना जब भी हमने कैंफर में ऑक्सीडेशन कराई तो ये बोल रहा है कैंफर ऑन ऑक्सीडेशन विद द नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड नाइट्रिका ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन जैसे आपने नाइट्रिक एसिड के साथ कराई तो आपको एसिड ऑप्टेन हुआ एसिड ऑप्टेन हुआ मतलब क्या हुआ आपको कौन सी स्पीसीज ऑप्टेन हुई कैम्फोरिक एसिड आपको ऑप्टेन हुआ जो की एक टाइप का डाइकार्बोक्सिल एसिड है अभी सुनिएगा जस्ट ठीक है और ये बोल रहा है जैसे आपने कैंफर में रिडक्शन कराया किसके साथ सोडियम एमलगम के साथ जैसे रिएक्शन कराया मतलब इसके थ्रू रिडक्शन आपने कराया तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिला बर्नियल मिला ठीक है तो ये क्या होता है ये होता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल इट मींस क्या हुआ देखो इसका मतलब क्या प्रूव हुआ ये बोल रहा है आपका जो कैंफर है ना ये जो आपका कैम्फर है इसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है कैम्फर में जब आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और कैम्फर में जब आप रिडक्शन करा रहे हो तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको पता है ऐसी स्पिसीज क्या होती है एक मिनट रुकेगा एक मिनट जैसे तो देखो ऐसी स्पेशीज क्या होती है मतलब देखो अगर आपके यहाँ कोई स्पीसीज है उसका आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है वो स्पीसीज क्या होती है कीटो ये तो आपको पता है हमने ऑक्सीडेशन में भी ये चीज पढ़ी है कि अगर आपके पास कीटो है तो कीटो का जब भी आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटो हमेशा एसिड में कन्वर्ट होता है और कीटो का जब भी आप रिडक्शन कराते हैं तो वो एल्कोहलिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कीटो को कन्फर्म करने के लिए हमारे पास ये टेस्ट भी है कि जब भी अगर आपके पास कीटो की स्पीसीज है तो अगर उसका आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो वो एसिड में ही कन्वर्ट होगी और जब

करता है कि होने की है, OH होने के भी होने के भी 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 चांसेस 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 के के तो हमने ये तीन, चार, पांच टेस्ट से एक दो तीन चार पांच पांच टेस्ट से हमने कर लिया कि और एल्कोहोलिक ग्रुप तो नहीं है यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ठीक है, है। क्लियर तो हो जाएगा ठीक है अब आप चाहे तो इनकी रिएक्शन भी कर सकते हैं आपकी चॉइस ठीक है

तो पी साइमिन अगर आपको ऑप्टेन होता है तो ये बहुत सारी चीजों को रिवेल करता है ये बोलता है कि पी साइमिन का फॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो कंपाउंड है जिसके साथ जिसके थ्रू आपने रिएक्शन कराई थी वो एक सिक्स मेंबर रिंग है साथ ही साथ उसमें आपका मिथाइल ग्रुप है और साथ ही साथ वहां पर को आपका क्या है जेम डाई मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो देखो ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया ये जेम डाई मिथाइल ग्रुप हो गया और आपकी ये होगी सिक्स मेंबर रिंग तो ये कंफर्मेशन टेस्ट हो गया आपका किसका कैंफर का बिकॉज स्कैम्फर ने भी क्या किया था सेम चीज किया था था कैंफर की रिएक्शन जब आपने जेड एंड टू के साथ कराई इसने आफ्टर रिएक्शन आपको पी साइमिन दिया और पी साइमिन ने आपको क्या इंडिकेट किया कि भाई कैंफर में आपके पास आपकी सिक्स मेंबर रिंग है उसमें आपका मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और जेम डाई मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है ये चीज आप यहाँ पर एड कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्या देखो कैंफर आपकी बाईसाइक्लिक सिस्टम है मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें एक सिक्स मेंबर रिंग तो ये हो गई बट इसमें एक फाइव मेंबर रिंग भी तो है वन टू थ्री फोर फाइव तो इसमें एक फाइव मेंबर रिंग भी है ठीक है और जो मैंने अभी मिथाइल और डाई ये जेम डाई मिथाइल की बात की तो देखो मिथाइल एंड जेम डाई मिथाइल ग्रुप की बात की तो देखिए ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया ये आपका जेम डाई मिथाइल ग्रुप हो गया ठीक है तो अगला क्या बोल रहा है इसमें हमारी फाइव मेंबर रिंग और प्रेजेंट है यानी कि ये हमारा मोनोसाइक्लिक रिंग है ये हमारी बाई रिंग है बिकॉज इसमें दो रिंग है एक सिक्स मेंबर की एक फाइव मेंबर की तो बाईसाइक्लिक रिंग है इसे हम कैसे कंफर्म करेंगे तो मैंने ये आपको क्लासिफिकेशन पर भी बताया था ये बोल रहा है कि अगर आप अपने कैंफर का फॉर्मूला देखेंगे तो कैम्फर का फॉर्मूला क्या है कार्बन टेन एंड हाइड्रोजन एटीन ऑक्सीजन को हटा के ठीक है तो स्केलेटिन किसका है कार्बन टेन का और हाइड्रोजन एटीन का अगर आप इसको फॉर्मूले पे रखते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है एच टू वन यानी कि ये कितना होना चाहिए एन का दुगना यानी कि ट्वेंटी आपका पास हाइड्रोजन कितने होना चाहिए ट्वेंटी लेकिन यहाँ पे ट्वेंटी तो नहीं है यहाँ पे कितने यानी कि आपको ट्वेंटी बनाने के लिए क्या करना होगा दो आपने एट हां यहाँ पे कितना है देखो सी एन एच टू एन है ना यानी कि ट्वेंटी यहाँ पे इसको एटीन बना के लिए के लिए आपको क्या करना होगा दो हाइड्रोजन को माइनस करना होगा यानी कि फॉर्मूला हमारा सी एन एच टू वन क्या हो जाएगा माइनस टू बिकॉज जब आप माइनस टू करेंगे तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा सी टेन एच एटीन समझ में आ रहा ना देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ देखिये एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू वन ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कार्बन टेन है और हाइड्रोजन कितने होंगे अगर कार्बन टेन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए ट्वेंटी ठीक है लेकिन यहाँ पे कार्बन टेन है तो हाइड्रोजन कितने हैं एटीन अब इसको एटीन लाने के लिए मुझे क्या करना होगा माइनस टू तो यहाँ पे जो हमारा बन बन रहा रहा है है का वो क्या बन रहा है? CnH2N -2. और CnH2N -2 क्या और इंडिकेट करता है हमको पता है है कि कंपाउंड को इंडिकेट करता है. तो देखो मुझे ना मैंने जब आप लोगों को टर्पेनोइड यूनिट पढ़ाई थी उसको पढ़ाए हुए काफी टाइम हो गया तो मैं उतना ज्यादा आप लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो जो टॉपिक्स पढ़ाए थे वो बहुत पहले पढ़ाए थे अब मुझे ध्यान नहीं है मैंने कितनी चीजें आपके साथ शेयर की थी कितनी नहीं तो

कि आपका जो कीटो ग्रुप लगा हुआ है ना हमने अभी देखा था कीटो का कंफर्मेशन ये बोल बोला जो आपका कीटो ग्रुप लगा हुआ है वो डायरेक्टली आपके सी एच के साथ जुड़ा हुआ है यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर पे देखेंगे जो ये कीटो ग्रुप लगा है वो डायरेक्टली आपकी किसके साथ लगा है आपकी रिंग के साथ यानी कि इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी हमने कंफर्म करना है कि जो आपका कीटो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है आपके डायरेक्ट कार्बन से साथ जुड़ा हुआ है रिंग के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको कन्फर्म करने के लिए आपने क्या करना है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो रिएक्शन अभी हम करने वाले है ये क्या रिवल कर रहा है कि हमारा जो कीटो ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है आपके सीएच ग्रुप से और सी ग्रुप मतलब जो आपका रिंग है जो आपकी रिंग है रिंग के सीएच ग्रुप से डायरेक्टली आपका कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो इंडिकेट करेगा ये टेस्ट और टेस्ट आपको क्या करना है जुड़ा हुआ है यानी तो कि रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आपने अपने कैंसर को लेना है इसकी रिएक्शन आपने अमाइल नाइट्री के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड करानी है तो देखो ये हमारा कैंफर है ठीक है को मैंने यहाँ पर C8 यहां पे H14 लिया हुआ है बिकॉज़ हमने बाकी के कार्बंस अंडर लीव है तो देखो ये आपका CH2 है इसके साथ C डबल बॉन्ड O है टोटल काउंट करोगे तो कार्बन 10 एंड हाइड्रोजन 18 ही मिलेंगे साथ में एक ऑक्सीजन भी मिलेगा तो ये हमारे क्या हो गया कैम्फर है इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करानी बोला है अमाइल नाइट्राइल के साथ तो रिएक्शन कंडीशन में अमाइल नाइट्राइल लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है सो अगर आफ्टर रिएक्शन आपको क्या यील्ड होता है क्या ऑब्टेन होता है आइसो नाइट्रोसिस से हम ऑक्सिनिनो

कि आपका जो रिएक्टिव मोलिक्यूल आपका जो कैंफर है उसमें जो आपका कीटो ग्रुप लगा हुआ है वो डायरेक्टली आपके रिंग के कार्बन से लगा हुआ है अगर ऐसा नहीं होता ये प्रोडक्ट नहीं बनता तो हमारा जो कीटो ग्रुप है वो जरूरी नहीं है कि वो रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या साइड चेन में भी जुड़ा हो सकता था ये भी पॉसिबिलिटी थी तो हमने ये कन्फर्म कर लिया कि आपका जो कीटो है वो आपका डायरेक्टली आपके कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कहीं रिंग में यहाँ पे इधर उधर नहीं जुड़ा हुआ है ये जो रिंग के कार्बन है इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली मतलब जो आपके साइड चेन के कार्बन है उनके साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा है वो आपके रिंग के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है क्लियर हुआ तो ये चीज हमने डिस्कशन में लेनी थी आज के लेक्चर पे तो लेक्चर अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो डेफिनेटली क्लियर आ रहा होगा ठीक है मुझे थोड़ा टाइम हो गया पुराने लेक्चर शेयर किए हुए इस वजह से मैं पूरी तरह से रिलेट आपको नहीं करा पा रही मुझे नहीं आइडिया है कि मैंने कितना उस टाइम पे बताया था आप लोगों को ठीक है बट फिर भी होप आप लोगों को क्लियर आया होगा इतनी सी बात है ठीक है तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर लेते हैं कैंपर के नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको इसकी सिंथेसिस भी शेयर कर दूंगी बाकी के जो भी है उन्हें भी हम जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलेंगे ठीक है तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करें मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय Bye.